यहाँ पे सीखे जा रहा हूँ वो मैं डेफिनेटली अपने लाइफ में भी जो है इम्प्लीमेंट करूँगा। एग्जैक्टली सर ने बताया कि लाइफ में कोई फेलियर नहीं है, वी नीड टू टेक फीडबैक और फीडबैक के ऊपर काम करना है। यू विन दी राइट एंड सेकेंड थिंग पॉजिटिव, क्योंकि हम किसी भी इन्वायरमेंट में बैठे के वजह से होता है कि लेट्स से वी आर नॉट सेइंग है ना, तो दिस शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन। बट यहाँ से मुझे एक ऐसा वो पॉजिटिव पॉजिटिविटी जिसको बोलते हैं वो एक मोटिवेशन मिला है मुझे, सो दैट आई कैन इम्प्लीमेंट दैट वन इन माय वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट में मैं डेली सोचता हूँ कि आज मैं ये करूँगा बट नहीं हो पाता हूँ, बट द वे आई कम टू नो टुडे, क्योंकि कभी हम बोलते हैं ना कि मुझे सब चीज़ आता है, मुझे मेरे पास बहुत ज्ञान है, बट जब तक हम उस ज्ञान को डायरेक्शन नहीं देते हैं ना, या फिर हमें उस ज्ञान को डायरेक्शन देने के लिए कुछ चीज़ें नहीं मिलती है ना, हम उसको फुलफिल नहीं कर सकते। एंड फ्रॉम हियर आई लर्न दैट हाउ टू ड्राइव माई सेल्फ विद टाइम मैनेजमेंट एंड डेफिनेटली आई विल इम्प्लीमेंट दिस इन माई लाइफ एज वेल एज आई टीच दिस ऑल थिंग्स टू माई अदर पीपल हु आर एसोसिएटेड। मेरे पास अभी बोलने के लिए इतना ज़्यादा है कि मतलब इट्स ओके, बट यस आज मैंने सभी लोगों से बहुत ज़्यादा सीखा, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सर सर एवरीवन, तो मतलब सभी का जो एक्सपीरियंस है मेरे बहुत काम आया, और क्योंकि मेरा भी जो है लर्निंग पाथ है, आई एम लर्निंग एंड वो लर्निंग आज मतलब मुझे बोलते हैं ना जिसको कि एक एक्सपीरियंस होता है, और एक होता है कि आप किसी एक्सपीरियंस के साथ बैठे हो जिनके पास ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे सीखने का ज़्यादा जो बोलते हैं ना जिसको मौका होता है। तो आई फाउंड दिस प्लेस एवर इन माई करियर, बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे जहाँ पे सीखने को मिला, एंड आई विल रिकमेंड माई फ्रेंड्स एंड नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगा मतलब एक नए माइंड सेटअप के साथ आऊँगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मुझे जो कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपने जिस तरीके से सेशन में जान जो भरा ना, मतलब मैं तो सोच ही रहा था, मैं हमें इमेजिन ही कर रहा था उस चीज़ को कि वट इज़ गोइंग टू हैपन इन माई लाइफ, बिकॉज ये मेरे लिए एक नई डायरेक्शन है। एंड पर्सनली थैंक यू सर, आपने मुझे बहुत अच्छा एडवाइस किया, मतलब क्योंकि ये लर्निंग स्टेज है, सो आई एम लर्निंग एंड डेफिनेटली आई लर्न। थैंक यू सो मच। मैम के लिए कि आप पूरे 8 से 9 घंटे यहाँ पे खड़े रहे एंड द वे यू ड्राइव द सेशन, बीच में कभी भी ऐसा नहीं हुआ ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ट्रेनिंग सेशन में बैठते हैं तो मैंने बहुत ट्रेनर्स को देखा, क्योंकि मेरे अंडर भी काफी ट्रेनर्स काम करते हैं, देखा कि मतलब वो अपने टॉपिक डिलीवर करने के बाद बैठ जाते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि किसने मुझे ऑब्जर्व नहीं किया, तो फिर वो चले जाते कि नहीं खड़े होना चाहिए। बट द वे यू ड्राइव एंड जिस इंटरेस्ट के साथ आपने हमें ये चीज़ें सिखाई है ना, तो मतलब वो इंटरेस्ट फिर से मेरे अंदर एक बार फिर जाके कि आई नीड टू बी अगेन अ ट्रेनर। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड यू आर रियली वेरी नाइस हेल्पफुल, एंड जिस तरीके से सुमित सर ने भी बीच बीच में जो है हर एक चीज़ों को कवर किया, दैट वाज अवेसम। थैंक यू सो मच।